मकर राशि, मकर लग्न, मकर राशि शनि की राशि है, मकर राशि चर राशि है, पृथ्वी तत्व की राशि है और वैश्य वैश्य वर्ण की राशि है, ये सम राशि है मकर राशि। मकर राशि की जो जो दिशा है वो दक्षिण दिशा, रात्रि बड़ी राशि है ये। इसका जो रंग होता है वो गेरुआ जैसा रंग होता है, पीलीमा जैसा रंग होता है, चिन्ह इसका मगरमच्छ जैसा इसका चिन्ह होता है, स्थान इसका जल का स्थान इसका स्थान होता है। मकर लगन के लोग जनरली जातक जो होते हैं दुबले होते हैं और समय के साथ वो उनकी जो शारीरिक ग्रोथ है वो बढ़ती जाती है, आयु बढ़ने से उनके साथ साथ अपनी संरचना में सुधार लाते हैं, वो शरीर से वह जनरली दुबले पतले होते हैं, उनका चेहरा अंडकार या पतला होता है, उनकी नाक लंबी होती है, आंखें भी थोड़ी धसी होती है, बाल भी थोड़े से उलझे उलझे से रहते हैं। शनि ग्रह का प्रभाव होने के कारण वह गर्वशील होते हैं, विचारणीय होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, वे अपना कार्य क्षेत्र बदलने में हिचकिचाते नहीं है, यही गुण उनके लिए एक लाभदायक गुण होता है जो उससे उनको फायदा रहता है। वे अत्यंत सहनशील होते हैं, धीरजवान होते हैं और नियमित स्वभाव के लोग होते हैं, आलसीपन से वे थोड़ा सा घृणा करते हैं, जनरली आलसी नहीं करते, किसी कार्य को आरंभ करने में विलंब कर सकते हैं लेकिन आलसी नहीं होते, लेकिन अगर कार्य कर लिया तो कार्य को पूरा करने की उनमें पूरी क्षमता होती है और चेष्टा रखते हैं कि कार्य को पूरा करेंगे, अधूरा नहीं छोड़ते हैं। इनको सफलता अतिशीघ्र प्राप्त नहीं होती, इनको प्रयास बहुत करना पड़ता है तब इनको सफलता मिलती है, आसानी से इनको सफलता नहीं मिलती। वे गंभीर तथा रहस्यमय प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ये लोग कर्मठ लोग होते हैं, मकर लग्न के लोग कर्मठ लोग होते हैं, वे मित्र बनाने में शीघ्रता नहीं करते, परंतु जो मित्र बना लेते हैं उसको मित्रता निभाते हैं और लंबे समय तक निभाते हैं, व्यक्ति को देख के मित्र बनाने की इनकी आदत होती है। अर्थ एलिमेंट के लोग हैं तो डिपेंडेबल लोग होते हैं ये लोग, इनके ऊपर डिपेंड किया जा सकता है, ये लोग ऑनेस्ट होते हैं, स्ट्रेट होते हैं और ऐसी प्रवृत्ति होती है इनकी कि जो लोग ये ठान लेते हैं फिर वो उन्होंने ठान लिया, फिर इनको टस से मस नहीं कर सकते, फिर मतलब इट्स लाइक ए पत्थर, इट्स लाइक ए वेट, तो इनकी ऐसी प्रणाली बन जाती है। वे मित्र बनाने में शीघ्रता नहीं करते, परंतु उनके कार्य क्षेत्र में, शिक्षा में या यात्रा में सदैव उनके व्यक्तियों के साथ ऐसा लोग अगर मिल जाते हैं तो कनेक्ट हो जाते हैं, तो उससे कनेक्टिविटी वो बना के रखते हैं, उसमें किसी से सहायता प्राप्त करने की इच्छा इनमें अधिक नहीं होती, क्योंकि वे सदैव अपने नैतिक सिद्धांतों के साथ ही जीवन को निर्वाह करते हैं, वे अपने जीवन के में सफलता पाने के लिए इनको प्रयास बहुत करना पड़ता है, आसानी से इनको सफलता नहीं मिल पाती है। जनरली ये लोग इनके अगर लगन पे प्रभाव बुरा नहीं पड़ता, अगर लगन इनका अच्छा होता है तो ये लोग बेईमान नहीं होते, लालची नहीं होते, कंजूस नहीं होते, अपराधी नहीं होते, आलसी नहीं होते, लेकिन अगर ये इनके लगन पे बुरा प्रभाव पड़ जाता है तो इनमें से इनमें प्रवृत्ति इनमें आ जाती है, इनको देखने को मिलता है। कई बार इनका विवाह भी देर से होता है, लेकिन और इनके साथ इनके जो रिलेशन होते हैं, जो अफेक्शन होता है, जनरली अफेक्शन की प्रदर्शनी नहीं करते, ये लोग अफेक्शनेट होते हैं बट अफेक्शन की प्रदर्शनी नहीं करते और अनुशासन में रहना पसंद करते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं ये लोग। इनके लोग जातक जो होते हैं इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग रिलेटेड व्यवसायों से थोड़े से कार्य से रिलेट करते हैं अपने आप को। मकर लग्न के लोग जो है कस्टम विभाग में या कोई उच्च अधिकारी चिकित्सा के अंदर, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर रिलेट कर सकते हैं इनको, फैक्ट्री में या मील कारीगर में रिलेट कर सकते हैं, ये लेबर कैटेगरी के अंदर भी इनको रिलेट किया जा सकता है, लेबर कैटेगरी भी मकर लग्न में रिलेट हो सकती है, बीमा संबंधी ठेकेदारी इन सब चीजों में इनको रिलेट कर सकते हैं मकर लग्न के लोगों को। मकर लग्न के लोग संगठन बनाने की क्षमता रखते हैं, असाधारण और सहनशीलता का प्रदर्शन करते हैं, असाधारण सहनशीलता का ये लोग प्रदर्शन करते हैं, धैर्यवान होते हैं, स्थिर प्रवृत्ति के होते हैं, बड़ा संगठन बनाने को खड़ा करने में इनको ये लोग काफी हिम्मती होते हैं, बड़ा संगठन बनाने की क्षमता रखते हैं। इन लोगों को उपवास रखने में हमेशा भय लगता है, ये लोग उपवास मतलब फास्ट ये लोग नहीं रखना चाहते, अगर ये लोग फास्ट रखते हैं तो इनको दिक्कत थोड़ी महसूस होती है इस, और ज्यादा बोलना भी ये लोग पसंद नहीं करते, कम बोलनों में, कम बातों में जनरली ये अपनी बात को पूरा करने के थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि अपनी कम बातों में लोग पूरा करते हैं। शनि अच्छा होने पर ये लोग ईमानदार होते हैं और विश्वसनीय होते हैं, शनि खराब होने पर ये लोग इसकी का उल्टा हो जाता है,
ये लोग अंतर्मुखी लोग होते हैं, ये लोग मकर लग्न के लोग, और इस कारण ज्यादा बोलना भी इनको इसलिए पसंद नहीं होता। जनरली इनको अपने साथ कोई एक व्यक्ति जो होता है इनको थोड़ा सा हौसला देते रहने के लिए कि इनको कोई साथ रह मिल जाए, अगर इनको कोई साथ मिल जाता है तो ये लोग बड़े से बड़ा कार्य करने में हिचकिचाते नहीं है, बट इनको एक सपोर्ट फैक्टर चाहिए होता है, और एक सपोर्ट फैक्टर मिलने के बाद इनसे आप कुछ भी करवा लो ये लोग सामर्थ्य है उसको कार्य करने में। इनमें अहंकार की भावना नहीं होती, निराशावादी नहीं होती ये, लेकिन परिश्रम अत्यधिक करते हैं ये लोग, और ऐसे जातक रहस्यमय होते हैं। शनि जल्दी से इनके अंदर से बातों को निकलवा पाना अंदर से वो थोड़ा मुश्किल होता है, इनके अंदर मेहनत करनी पड़ती है बातों को निकलवाने के लिए। अपफ्रंट बात नहीं बोलते, अपफ्रंट चीजों को नहीं बोलते, अपने अंदर बात को रख के बैठते हैं ये लोग, उसी बात को रख के बैठने की वजह से इनमें एक तकलीफ भी आती है कि इनमें एक अंदर में अपने एक डिससेटिस्फेक्शन की भावना भी पनप जाती है, जिससे इनको अपना नुकसान हो जाता है ऐसे लोगों से, क्योंकि लेकिन जब ये बोलते हैं तो इनकी बात तीर के समान जाती है, मतलब इट्स लाइक जब ये लोग कुछ बात बोलते हैं तो ऐसी बात होती है कि जिसकी बात का जवाब दे पाना आसान नहीं होता, और बात थोड़ी सी कई बार कटुर भी होती है इनकी बात उस केस में, और आमतौर पर ये ऐसे शब्दावली यूज नहीं करते, लेकिन जब ये करते हैं तो इनकी बातें ऐसी लगती हैं, और जो जब जब ये नहीं करते हैं तो ये लोग अपने छिपा के रखते हैं, और तब इनमें थोड़ी समस्या बढ़ जाती है, इनका अपना नुकसान होता है उसकी वजह से। हिस्टोरिकल प्लेसेस में इनको जाने की अच्छी आदत होती है, मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस को घूमना फिरना, वहाँ पे वहाँ की चीज़ों को इकट्ठा करना, या हिस्टोरिकल चीज़ों को बना के उसके विषय में जानना, या अपनी चीज़ों को उठा के रखना, मतलब अपने जैसे इस लाइक अपने बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड, अपने बहुत सारी चीज़ों को उठा के संभाल के रखा, अपनी चीज़ों को किसी का पुराना गिफ्ट मिला हुआ है उसको रख लिया, इसलिए जैसे लोग एक दूसरे को देते हैं बचपन की चीजें होती हैं, बचपन की चीजों को देख बचपन में किसी यार दोस्तों ने चीजें दी उसको उठाकर लगन का मकर लगन जो है पृथ्वी तत्व हैगा, मकर लगन का और जल तत्व का जनरली सा हिसाब किताब जल्दी बैठेगा नहीं, जल तत्व का पृथ्वी तत्व का हिसाब किताब बैठेगा नहीं, यानी मकर वाला अगर चाहे तो कर्क वाले से जल्दी से हिसाब किताब बिठा नहीं पाता, तो मीन वालों के साथ में भी नहीं जलमेगा सर, मीन वालों के साथ भी जल्दी से नहीं बिठा पाएगा, क्योंकि मीन भी जो आता है मेरा नहीं पड़ता है इसलिए बोल रही हूँ, मीन वालों के साथ भी नहीं आएगा।